बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान सुल्तान वेलकम करना था कि अपने चैनल देश टू परदेश। पिछला हफ्ता बड़ा जालम गुजरे है जी सारे खानदान पर। पिछले चार पाँच दिहाड़े सारे खानदान तय बड़े मुश्किल सन, असं कि यह सदमा बर्दाश्त करना पाया जी। माड़े वालिद साहब जेडे छे साल तो ज़्यादा अरसे तक बीमारी ने लड़ने रहे जी, स्ट्रोक ने अटैक हुए उन्होंने दो त्रै, आखिर जाना है जी सारे, जिस तरह अस सारे मुसलमान होने के नाता यकीन है कुल नफ्स जायका तुल मौत, हर बंदे की मौत ना जायका चखना है। यकीन मनो भैया, मैं जिथे भी नज़र मारना जितनी उम्र होगी माड़ी इस तू बड़ा सानिया माड़ी जिंदगी अजे तक नहीं आया। तो खैर जिस तरह आखने लाइफ कैरीज ऑन, जिंदगी जारी रहनी है, तो अल्लाह जिथे जख्म देना उतना मरम भी दिलाना है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर सकता सारे की कि प्लीज़ माड़े वालिद साहब की अपनी दुआओं खुशी तौर पर याद रखे कि अल्लाह ने साथ उन्होंने बख्शिश करा। तो अज उन्होंने कुल शरीफ है जी, जिसकी असं अपनी जबान चौथे न खत्म आखने निके जी, जी इन्हें भी बड़ी हेल्प की है। मैं तुझे दसा ये भी साढ़े तो हीरो ही इन्हें भी मेहमाना ने खिदमत खातर की है, ठीक है। अच्छा जी, मेन रीज़न है ये व्लॉग बनाने का कि मैं यादगार तौर पर आज बुजुर्गों ने मैं तो ना उन्होंने जनाजा ना कवर कर सकिया, मैं अपनी होश नहीं सी, ठीक है। तो जिन्होंने दोस्तों कवर किया जी, मैं स्पेशली मेंशन करना उन्होंने शुक्रिया अदा करना मैं जी, जिन्ना कवरेज दी है। तो कितना जी प्रदेश सारे बाकी भैन भरा जो नहीं शामिल हो सके या बाकी फैमिली मैंबरान नहीं शामिल हो सके, उन्होंने कम अज़ कम एटलीस्ट उन्होंने तक ही किया। अच्छा, मेन रीज़न व्लॉग बनाने नहीं है जी कि एक तो मैं मौके मेरा अस्पताल में शहीद कहड़े लगे वापस इंग्लैंड लगा जाए, ठीक है। तो यादगार तौर पर जो अज वालिद साहब ने कुल शरीफ ने जो जिसकी अस मैं अगर दसा कि चौथे ने खत्म आखने वो भी कवर हो जाए, अज मेहमान एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद हाजिर हो सन सारे दोस्त यार जे या ग्रां के बंदे, वो भी थोड़ी जी फुटेज कवर हो जाए। बाकी मजीद आखिरी आराम गाह जिसकी असं आखने जी अपने माड़े वालिद साहब ने कबर वो भी तुम्हें दसा, तो जो अपने चैनल पर भी एक यादगार रहे। अब हम कब्रस्तान जुड़ने सारे लोकल कब्रस्तान है, सारे अपने फैमिली मैंबरान इतना सुते हुए जी। मैं फर्दन फर्दन कह तार उस तरह सिर्फ कब्रस्तान है जितना कि मैनली कबर पर कैमरा मारी है, मैं अपने वालिद साहब की कबर जोड़ने अस फातह खानी करने मेरी दादी की कब्र है जी, ये बाकी कब्रां भी जेड़ी हैं जी। सो बड़ी भाई सन अजी अकरम साहब, उन्होंने सरदादे मोहम्मद अकरम साहब, ये साढ़े दादा जी साढ़े दादे ने भाई, ये भी दादा ही होए ना अजी अल्लाह दाद, बड़े मशहूर खूह वाले उन्होंने कबर है जी, ठीक है। ये भी पिछो दी शौकत रुपयाल, उसने वालद साहब ने कबर है जी, तो उसने वालदा साहिबा ने कबर, ठीक है। सारे अंकल जी सारे कजन जरक महमूद गबर साहब ने, वालिद साहब जो शबीर ने भी सारे भी, चाचा अब्दुल रशीद रुपयाल साहब जी, ये साड़ी दादी साहिबा जी वलायत बेगम रुपयाल, ये शबीर साहब ने वालदा साहिबा, सारा लोकल कब्रिस्तान है जी। दादी साहब इनकी रिश्ते भी चाहिए भी, ये भी मोहम्मद अशरफ रुपयाल, बाकी जी जिस मैं बार बार रिक्वेस्ट की है अगर भी सारे दोस्तों यारों की कि प्लीज़ माड़े वालिद साहब ने मगफरत है बख्शिश है लाजमी दुआ कर हर नमाजा न प्लीज़, मैं सारे की रिक्वेस्ट करना एक बार फिर। और मैं उन तमाम दोस्तों ने शुक्रिया अदा करना जिन्हें ट्राई की है माड़ा राबता लाने ने इंग्लैंड तू इतू पाकिस्तान तजियत ने मारियाँ, मैं रियली सारियाँ मैं
बहुत सारे दोस्तों ने मैं फोन आंसर ना करी सकिया ते मैं दिलों रिस्पेक्ट करना उन्हें सारे बंदे ने जिन्हें भी मैसेज किए व्हाट्सएप पर कॉल कीतियां ते जेडे नहीं करी सके सर्विस ने भी बड़ा इश्यू सी था पाकिस्तान मैं जानी बुझी ना इग्नोर करना रहा पर माड़े गम में जेडे सारी फैमिली ने गम बराबर ने जेडे शरीक होने उन्हें सारे की मैं अप्रीशिएट करना वा सब बाकी मैसेज ही यही है जी कि ये वालदैन बड़ा कीमती एहसास हैं ये खोने तो बाद ही पता लगना है मैं जिन्होंने वालदैन जिंदा न उन्होंने की ये मौका है कि उन्होंने खिदमत करो प्लीज़ एक ये मौके बार बार नहीं अचने उस साल ही पता लगना तुसा कि जिस लाइक खजाने हथ है बिचू लिकड़ी जान तुसा ने जो ठीक इसलिए फरमाया रब्बे कायनात रब्बना फिलना व इखवान इनल्लजीन सबकूना फिल ईमान फरमाया जो तुमसे पहले जो चले गए उनके लिए तुम मगफरत की दुआ करो उनके लिए इस्तगफार करो तो तुम जब उनके लिए इस्तगफार करोगे तो मैं रब उनकी बख्शीश फरमा दूंगा मैं रब तुम्हारी बातों को सुनूंगा जब दुनिया से इंसान चले जाए जितनी भी उसकी पीछे तारीफ की जाए उसके लिए इस्तगफार किया जाए कुरान पाक की तिलावत की जाए ये अमल अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है और ये अमल जब खुदा देखता है और जाने वाले के लिए क्या अमल है फरमा नेक औलाद उनका उस औलाद का पीछे रवैया अच्छा हो उसके जो जानने वाले उसके रिश्तेदार जो उसके करबदार उनके साथ उसकी औलाद का अच्छा सलूक ये सबसे पहला अमल है और फिर ये ऐसा अमल है कि ये सदका जारिया में शामिल होता है फरमाया ये अमल ऐसा अमल है कि जब औलाद नेक काम करती रहेगी वो कब्र के अंदर भी खुश होगा और कल क़यामत के तो खुदा की जन्नत में भी दाखिल होगा यही अमल काम आया दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला राजा साहब की बख्शिश और मगफरत फरमाए अल्लाह इसका सवाब अपनी दरगाह में कबूल और मंजूर फरमा करके जितने भी अम्बिया इकराम खसूसन हजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह आलियां पेश करते हैं मौला कबूल और मंजूर फरमा आपके वालदैन करीमैन आपकी अजवाज मुताहरात अहले बैत इकराम सहाबा इकराम ताबी तब ताबी अइमा मुतहिन जितने बुजुर्गान दीन चिश्तिया कादरिया सरवरिया नक़्शबंदिया या अल्लाह सब की बरगाह आलियां पेश करते हैं मौला कबूल और मंजूर फरमा मौला जितने भी कलेमात ये बात पढ़े गए हैं जिक्र अजगार किया गया या अल्लाह तमाम किया गया घर वालों ने पढ़ा है या अल्लाह जितनी भी तस्बीहात पढ़ी गई कुरान मजीद की तिलावत की गई या अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ गए सबका सवाब राजा मोहम्मद सुल्तान साहब की रूह को बचाते हैं मौला कबूल मंजूर फरमा उनकी कबर हशर की मंजिल आसान फरमा उनकी आखरत की मंजिल आसान फरमा या अल्लाह उन्हें जन्नत से दोस्त में आला मकाम अता फरमा या अल्लाह उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमा टाइम है क्या जी व्यूज़ तुसा को इजाजत चाहने ना प्लीज़ माड़े वाले साहब की अपनी दुआओं में याद रखे रिजवान सुल्तान की अपने चैनल देश टू प्रदेश जो इजाजत दियो अल्लाह हाफिज़।